प्रधानमंत्री आवास योजना की नेशनल लेवल मॉनिटरिंग में कई धांधलियां पाई गई हैं। कुछ राज्यों में पैसा मंजूर करने के लिए रिश्वत मांगे जाने की शिकायत है, तो कुछ राज्यों में मंजूर हुए पैसे से कट मनी मांगने की शिकायत पाई गई है। इस योजना के राष्ट्रीय स्तर की मॉनिटरिंग में कुल 3 चरणों में सर्वे हुआ, जिसके तहत पहले चरण में 10 राज्यों के 4051 लाभार्थियों से बातचीत हुई, दूसरे चरण में 25 राज्यों के 5281 लाभार्थियों से बात की गई और तीसरे चरण में 24 राज्यों के 5700 लाभार्थियों से बात की गई। लाभार्थियों से बातचीत के आधार पर यह पाया गया कि कई राज्यों में इस योजना में भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है। सरकार सर आपसे जानना चाहेंगे कि अपनी योजनाओं की जाँच सरकार क्यों करवा रही है? पहले मनरेगा की जाँच हुई और अब हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना की हो रही है, क्या कुछ चल रहा है? चुनाव से पहले हालांकि सरकार के पास इस तरीके की सूचनाएं पहुंच रही हैं कि सरकारी योजनाओं में जो सामान्य रूप से जो भ्रष्टाचार और घपला सरकारी योजनाओं का चरित्र और स्वभाव है वो बढ़ रहा है और सरकारें बदलने से ये नहीं बदलता। और अब स्थितियां करीब से निकल कर आ रही हैं क्योंकि स्पष्ट रूप से अक्सर सरकारी कार्यक्रमों में, सार्वजनिक कार्यक्रमों में भी लोग इस बात की शिकायत करते मिल जाते हैं कि सरकारी स्कीमों में भ्रष्टाचार है, उन्हें पैसे लेकर मकान सुविधाएं दी जा रही हैं, दिख रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना की ये जाँच शायद कराई जा रही है कि चुनाव के करीब कम से कम ये जाना जा सके कि कहां किस लेवल पर भ्रष्टाचार है। पर सबको पता है कि सरकारी स्कीमों के क्रियान्वयन की परिस्थिति क्या है। केंद्र के स्तर के बाद राज्यों में अलग अलग तरीके से इन्हें लागू किया जाता है और उन स्कीमों में भ्रष्टाचार की शिकायतें स्पष्ट रूप से सामने आती है। जी सर, वैसे किस तरह की गड़बड़ियां पाई गई हैं प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर के? अभी जो सरकार ने जांच की थी, एक एजेंसी है जिस एजेंसी को जांच की जिम्मेदारी दी गई थी, सीएमआई सोशल रिसर्च सेंटर को, इसने सैंपल के आधार पर देश के अलग अलग राज्यों में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों की पड़ताल की थी। कुछ प्रमुख राज्य हैं जिसमें बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन 3 जगहों पर पाया गया है कि 3 वही पुराने तरीके के सरकारी आवास योजनाओं का स्थायी लाभ, एक रेंट सीकिंग करना यानी किसी को मकान देने के बदले पैसा ले लेना, जबकि उसको मुफ्त मकान दिया जाना है प्रधानमंत्री आवास योजना में, वो पात्र है उसका और उसे गरीबी उसका मकान मिलना चाहिए, मकान देने से पहले पैसा ले लेना जो सामान्य प्रक्रिया है। दूसरा ये कि मकान निर्माण में बनाने में कट और कमीशन लेना, जिन एजेंसियों से बनवाया गया उनसे कमीशन लेना, और तीसरा ये कि तरह तरीके की रिश्वतें अलग अलग स्तर से लिया जाना। यही 3 महत्वपूर्ण चीजें हैं जो इन स्कीमों में पाई गई और इन्हीं तीनों के भ्रष्टाचार के मामले हैं। यह भी सैंपल है, इससे अंदाज हो सकता है होता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में भ्रष्टाचार का दायरा काफी बड़ा और गहरा भी हो सकता है।